अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का गाइस जो व्लॉग है ये मेरा घर में होगा क्योंकि वीकेंड है, यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं है। दैट्स व्हाई ये मेरा व्लॉग आज का घर में होगा। और अभी मैं बैठी हुई हूँ बाहर लॉन में, अभी भी मैं उठी थी और लॉन में बैठी हूँ अपनी कैट्स के साथ, जो किटन्स हैं मेरी चार, उनके साथ, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है। तो धूप में हम लोग, भाई मैं भी बैठ गई, वो भी बैठ गया, तो अभी मैं फ्रेश होती हूँ सबसे पहले और फिर नाश्ते में कुछ करते हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ख़ामोशी से आके फेस अपना वॉश करने लग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ किया, एंड देन ये मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाए, पॉन्ड्स का एंड डिफरेंट ना। ये रीज़न ये थी ख़ामोश होने की कि मेरी यहाँ पे एक क्लास चल रही थी साइड बाय साइड, तो मैंने कहा बिल्कुल ख़ामोश होके ये अपना काम वगैरह करके निकलती हूँ। फिर यहाँ से यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ लिप बाम और उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए। अब मैं किचन में आ गई और मैं अब यहाँ पे बनाऊंगी अपने लिए सैंडविच। ओके सो मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाती हूँ मैं किस तरह क्या से बनाती हूँ। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ सुई, हाँ कहाँ हुआ है? मेरे पाँव सब लगेगी, मुझे खाना तो अच्छा देती हूँ, रुको। ये भैया हमारी कैट का खाना, इसको मैं करूँगी गर्म और दूँगी फिर जोई। अच्छा भैया जो खाना है ये मैं 15 सेकेंड्स लगा, 30 सेकेंड्स के लिए रही हूँ, लेकिन 15 सेकेंड्स तक मैं सिर्फ गर्म करके दूंगी कैट को। सो गाइस कैट को मैंने खाना दे दिया। दूसरा मैं चार्जर ढूंढ रही थी कब से, क्योंकि मैंने अपनी रिंग लाइट ऑन करके दूसरा ट्राइपॉड स्टैंड यूज़ करना है, दैट्स व्हाई। तो लियो तो सही होने वाला है, उसको इग्नोर करना आप। खैर तो अब देखते हैं कि मेरा ये जो आइडिया इसका यूज़ करें ना स्टैंड को, कितना जाता है अच्छा और कितना फ्लॉप जाता है। तो बस मैं इसको लगाती हूँ। शुक्र है यार ये ट्रैपर वाला आइडिया अच्छा किया है। और उससे पहले आपको दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ कर रही थी। मैं ये यूज़ कर रही थी गोरिल्ला स्टैंड। सो अब मैंने ये लगाई है रिंग लाइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होगी वीडियो। मतलब स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स सारे ला के रखती हूँ, वरना मुझे बहुत टाइम लग जाना। ओके तो मैं आई, चलिए सबसे पहले आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। सो ऑब्वियसली वो सैंडविच बना रही हूँ तो ब्रेड, एंड उसके अलावा ये है भाई अंडा जो हम यूज़ करेंगे, उसके अलावा सलाद में जो हम प्याज यूज़ करेंगे, और ये भाई हमारे मायोनीज एंड केचप, इनको मैं मिक्स करके लगाती हूँ। उसके अलावा ये हैं कबाब सारे। ओके सो ये सारे तो मैंने यूज़ करने हैं, लेकिन मैं एक बार निकाल लेती हूँ। सो सबसे पहले हम बनाएंगे कबाब, और उसको हम पहले कोटिंग देंगे एग की। सो एग हम लोगों ने फेंट लेना। ओके डालेंगे यहाँ, इसको हम करके डिस्पोज ऑफ। नाउ वी गोइंग टू टेक अ फोर्क, एड सम सॉल्ट एंड सम लाल मिर्च, और इसको फिर हम कर लेंगे विक। आज आपको मेरी सारी कुकिंग स्किल नजर आएगी। हमें ओफ लियो, अब मैं लूंगी कबाब। इसको डिफ्रोज मैं नहीं करी, लेकिन आम तौर पर लोग करते होते हैं, लेकिन मैं नहीं करी। खैर मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ ना। मैं ये ले लूँगी, इसे क्या कहते हैं चिमटा। ओके और इससे मैं इसको ऊपर मतलब फ्लिप करूँगी। ओके अब तक मैं ये प्याज काट लेती हूँ अपना टाइम से ना, या यूजिंग दिस नाइफ। मैं इसको हिला दूंगी उसकी मदद से। इससे ये होता है ना कि आपका जो सैंडविच जब बनता है ना वो बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत मजे वाला लग रहा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द अनियंस ऑन इट। मुझे सिर्फ अनियन पसंद है, मैं वो कोई सलाद के पत्ते नहीं खाती बकरियों की तरह। खैर हर बार किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं उस तरह नहीं खाती। तो मेरा ज़्यादा ये होता है कि मैं या फिर ये कबाब पड़े तो सैंडविच बना लेती हूँ, या उसके अलावा मैंने एक और एग बॉइल्ड एग की, मेरे पास बॉइल्ड एग और मायोनीज की रेसिपी है, वो भी मैं बनाती हूँ, मैं आपको किसी दिन वो भी दिखा दूंगी। सो बस अभी मैं ये डन करती हूँ। मैं मायोनीज डाल दूँ सबसे पहले ज़्यादा, क्योंकि मुझे मायोनीज ज़्यादा पसंद है। ओके एंड देन उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट ऑफ केचप। ओके
ये मैं वो केचप खत्म होने वाला है तो ये मैं डाल दूंगी थोड़ा बहुत पीस को. ओके एंड आई एम गोइंग टू फ्लिप इट ओवर ऑन द अदर ब्रेड पीस. सो मैंने कबाब वगैरह लगाया. तो गाइस मेरे मोबाइल की 2% चार्जिंग हो गई है तो मैं इसको इधर रख रही हूँ चार्जिंग पे और मैं बाहर बैठ के नाश्ता अपना कंप्लीट करके फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ. ओके सो गाइस बर्तन वगैरह तो धुल के आप देख सकते हैं बैग पे है. ये बर्तन वगैरह तो धुल के हैं. अब मैं रेस्ट करूँगी कुछ देर. सो गाइस ये मैं रूम में बैठी हुई हूँ और मैंने ड्रामा देखा है. मैं आपको पहले पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मैं कोरियन ड्रामास वगैरह देखती हूँ ना, तो उसमें मैं अभी ड्रामा देख रही थी एस्केप ऑफ द सेवन. बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है. और उसके अलावा अभी मेरी वीडियो थोड़ी ग्रीन से आ रही है, उसकी भी रीज़न आपको बताती हूँ. असल में जो सामने विंडो है उसके बाहर ग्रीन मैश डल रही है ना, तो इस वजह से ग्रीन रिफ्लेक्शन आ रहा है. दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए सामने जो ग्रीन मैश है ना, इस वजह से रिफ्लेक्शन मेरा ग्रीन आ रहा है. उसका जो ड्रामा मैं देख रही हूँ एस्केप ऑफ द सेवन, वो बेसिकली एक मर्डर के बारे में कि भाई एक लड़की का मर्डर हो गया है और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करें कि भाई किसने मर्डर किया. ओके और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है. इससे पहले भी एक ड्रामा इस तरह का आया हुआ था पेंथ हाउस, उसके दो एपिसोड सीजन्स हैं वो मैंने देखे हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है. उसमें भी मर्डर के बारे में ही है ना, तो उसी से उन लोगों ने करेक्टर्स लेके इस ड्रामे में अब डाल दिए हैं ताकि मतलब वो थोड़ा ना एक होता है ना एक इमेज होती है पुराने ड्रामे की, वो एक नए ड्रामे में ना मतलब पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने डाल दी है. खैर वो ड्रामा बहुत अच्छा है एस्केप ऑफ द सेवन. और जो पिछला पेंथ हाउस है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप लास्टली दोनों ड्रामास देखिएगा. उसके अलावा गाइस मैं बात करना चाहती हूँ पैलेस्टाइन के बारे में. अब मुझे बहुत हैरत हो रही है कि मैंने पाकिस्तान में, या फिर चले पाकिस्तान का तो मुझे नहीं आइडिया ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, लेकिन रावलपिंडी में मैंने कोई इतना ख़ास इनिशिएटिव नहीं देखा. इवन जो मेरी यूनिवर्सिटी है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं होते हुए देखा. खैर सारी बातें इनको छोड़ दें, ये तो हमारी जिम्मेदारी, हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई और तो बाहर का बंदा आके नहीं करेगा. सबसे बड़ा जो मुझे दुख होता है वो ये बात है कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ पैलेस्टीनियंस जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मस्जिद अक्सा है वो वहाँ पर रह रहे हैं तो उन पर ही सारी मुसीबतें हैं. सब मुसलमानों को इकट्ठा होकर इस चीज़ को देखना चाहिए, मस्जिद अक्सा एक वैल्यू रखती है हमारे लिए. लेकिन यहाँ पे हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुसलमान होना तो सारे भूल ही गए हैं. इस चीज़ से मुझे बहुत दुख होता है कि मुसलमान होते हुए आप देख रहे हो कि आपकी जो मुकद्दस जगह है उधर इस तरह के हालात हैं, उसके आसपास जो पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं उनके साथ ये जुल्म हो रहा है और आप खामोश बैठे हो. लेकिन हमारे जो मुल्क के जो लीडर्स हैं, हमारे मुसलमान ममालिक के जो लीडर्स हैं या जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, उसको पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही हैं, वो कर क्या रही हैं डोनेशंस के अलावा? कोई एक प्रॉपर स्टेटमेंट क्यों नहीं देता, सख्त स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि तुम लोग ये करो तो हम लोग का ये स्टेप होगा? और बस दुआ के अलावा हम कर क्या सकते हैं? सो होप फॉर बेस्ट. वैसे मेरी कुछ बातें थी, मैं दिल से शेयर करना चाहती थी पैलेस्टाइन के बारे में. कुछ बातें गलत भी होंगी, कुछ बातें सही भी होंगी. जो लोग का खून बह गया है, जो लोग शहीद हो गए हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने अच्छे से अच्छा मुकाम दे देना. बाकी जो हम लोग इधर बैठ के सब कुछ देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, अल्लाह हम लोगों को माफ़ करे और हम लोगों की दुआएँ कबूल करें. खैर तो हाइस
उससे मैंने पैलेस्टाइन के बारे में शेयर किया कुछ बातें, कुछ ड्रामा वगैरह जो मैं देख रही हूँ फ्री टाइम में। उसके अलावा अभी ये कि मुझे कुछ काम मिले यूनिवर्सिटी से वो करने हैं, बस रोज़ ही टल जाता है यार, बिल्लियों की तबीयत में सब सही नहीं है। उसके अलावा फिर कभी घर के काम होते हैं, कभी अपनी, पिछले दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई थी, फ्लू मुझे हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गई थी। तो बस इस वजह से काम लटक जाते हैं, नहीं हो पाते। अच्छा गाइस, खाने में बना है आलू गोभी, तो उसके लिए फिर हम लोग नान लेने के लिए बाहर आए हैं, तो बस नान लेके फिर खाना खाते हैं। अभी आए गए, सो रहे हैं। 3 रोटियां लेके हम लोग घर आ गए, अब हम खाना खाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं व्लॉग अपना एंड करती हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने घर आते हुए व्लॉग बनाया, ज़्यादातर मैं ना बाहर होती थी तब मैं व्लॉग बनाती थी, तो मैं आज घर आते हुए व्लॉग बनाया है, तो न्यू है पर अच्छा, मतलब हो गया ना। उसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा मेरा व्लॉग तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट डाउन आल्सो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।